देखिए एक चीज बड़ा स्पष्ट है, विजय जी ने भी स्पष्ट कहा, 1996 में सीबीआई का पदार्पण बिहार में हुआ, तब राष्ट्रीय जनता दल या जो जनता दल उस समय था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे और देश में जनता दल की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंदुर कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तब से सीबीआई यहां हो रहा है और सीबीआई को आवेदन वाले लोग तो उन्हीं के साथ बैठे, उनसे पूछना चाहिए, शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहां क्यों कागज उन्होंने दिया। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप ही ने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाया है तो आप बताएं। चाहे वो यूपीए की सरकार हो तब भी ललन सिंह जी ने ही जाकर प्रश्न को पूरा कागज को पहुंचाया, शिवानंद तिवारी जी शरद यादव जी ने पहुंचाया। इसलिए देखिए पूरी तरह सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है, जब जनता दल की सरकार थी। तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे उस पर क्या कमेंट हम लोगों को कर रहे हैं। ये तो एकदम लगातार विजय जी जब प्रदेश जिला बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तब से इन्होंने जांच के लिए विशेष तौर पर कमेटी बनवाई और ग्रामीण कार्य विभाग में जो भ्रष्टाचार था उसके बारे में लगातार पार्टी के सदस्य, पार्टी के विधानसभा के सदस्य संजय सराफ जी से लेकर पार्टी ने कई बार इस चीज को प्रश्न के तौर पर उठाने का काम किया है। और ये एक जो जगह भ्रष्टाचार नहीं है, अभी कई राज खुलने बाकी है। अरे आप सोचिए, कल रात में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष रहे खानपुर में, उनके घर में घुस के गोली मार रही है। अब तो गुंडों की सरकार हो चुकी है और जिसका नेतृत्व करता ही गुंडे की तरह बोली बोलता हो, इससे वजह दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार का।